हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मेरे पास जो सैमसंग है कीपैड फ़ोन, और इसमें जो है आपके पास अगर कोई भी कीपैड फ़ोन है और उसमें यह प्रॉब्लम आ रही है, जिससे अगर आपको यहाँ पर लॉक खोलते हैं तो आपका नेटवर्क यहाँ पर शो नहीं करता और इंसर्ट सिम लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसको आप कैसे सही करोगे। यहाँ पर आप देख रहे हो इंसर्ट सिम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्च हो रहा है पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या काम करना है, इसको कैसे सही किया जाएगा, आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि अगर अदर किसी कीपैड फ़ोन पर भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क वाले ऑप्शन में चले जाना है, और यहाँ पर मैनुअल पर जाना है, और यहाँ पर आपको अपना नेटवर्क यहाँ पर सर्च करना है। फर्स्ट स्टेप आपको यही काम करना है नंबर वन पर, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा सकूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत इस पर थोड़ा काम कर लेता हूँ, हो सके आ जाए मेरा नेटवर्क। और अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको रिसेट कर देना है सेटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑल सेटिंग को हम यहाँ पर रिसेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क अभी भी नहीं आया और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हम इंटर करके इसको ओके कर देते हैं। ये है कंपनी का लॉक पासवर्ड, ठीक। तो अभी हमारे पास सारा सेटिंग जो है रिसेट हो चुका है। मास्टर सेटिंग, मास्टर रिसेट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा मोबाइल एक बार स्विच ऑफ हो जाएगा, हमें इसको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं, हमारा पर सेटिंग जो है वो इसका फॉर्मेट हो रहा है हमारा सेट। यहाँ पर जो भी इसमें रहेगा वो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये आ जाएगा तो आपका कोई भी कीपैड वर्क नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा हमारा मोबाइल। इसमें जो सेटिंग होता है मास्टर सेटिंग जो भी इसमें होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता है। तो अभी जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, कि हमारे मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी और अभी हमने इसको ऑन किया, अब ये हमारी मोबाइल ऑन हो रही है। मॉडल हमारा सैमसंग B313E, ठीक है। आपका भी ये सेट हो सकता है, या अदर भी सैमसंग सेट हो सकता है कीपैड का, या किसी अदर कंपनी का भी मोबाइल में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इंसर्ट सिम की, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आप 100% उसको सॉल्व करना सीख जाओगे। तो अभी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो सिम न्यू सिम कार्ड, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर एक बार इसको इस तरीके से सब नेक्स्ट करते हुए जाना है, इसको सबको ओके करते हुए जाना है, ठीक है। और यहाँ पर टिक लगाकर इसको सेविंग कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है बैक, और अभी भी हमारा यहाँ पर देखो वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर अपना एक सिम लेना है, दूसरा सिम जो किसी अदर फ़ोन में चल रहा हो, तो उसे हमें यहाँ पर इंटर करना है और हम इस सिम को यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक जियो का सिम किसी ने लगा रखा था और दूसरा VI का है, ठीक, वोडाफोन का। तो वैसे भी हमारा यहाँ पर जियो का सिम इसमें चलेगा नहीं, तो हमारा यहाँ पर VI तो चलेगा ही। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी सिम यहाँ पर अपना कोई लगा देते हैं एयरटेल का। तो मेरे पास एयरटेल का सिम है, हम यहाँ पर इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बैटरी को लगाकर चेक करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर फटाफट से इसको लगा देते हैं और इसको सेट को करते हैं ऑन, और फिर देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिम में प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो सिम ट्रैक होता है जहाँ पर हमारा सिम जाके कनेक्ट होता है उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से इंसर्ट सिम लिख के आता है, अगर हमारा सिम वहाँ पर सही से लग नहीं रहा है, सही से पकड़ नहीं रहा है, उस पर टच होने नहीं हो रहा है, अगर जहाँ पर सिम को टच होना चाहिए। तो अभी देखो SIM 1 और SIM 2 दोनों यहाँ पर इंसर्ट सिम लिखा हुआ आ रहा है, और अब वहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन के आ चुका है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक बार हम सिम को यहाँ पर SIM 2 से निकाल कर SIM 1 पर लगाएंगे, ठीक। अब हम यहाँ से SIM 2 से निकाल कर SIM 1 पर लगा कर एक बार चेक करके देख लेंगे, फिर आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर सिम वन पर हम इसको इंसर्ट लगा चुके हैं, इंटर करके सेट को कर रहे हैं ऑन। तो थोड़ा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि सिम टू का जो ट्राली है वो ख़राब हो, तो हम सिम वन में लगा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर न्यू सिम लिख के आता हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ओके करते हुए चले जाएंगे, इसको डन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एयरटेल का सिम हमने लगाया और ये हमारा सिम वन पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी हमारा यहाँ पर सिम टू जो है यहाँ पर इसकी ट्राली प्रॉब्लम है, हमारा सिम तो सही है ये वाला। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस